मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि किस किस अलग अलग मूड पे आपने कैसे कैसे गाने लिखे हैं। टॉकिंग अबाउट गनपिडन म्यूजिक, गनपिडन जो हमें स्टोरी का ब्रीफ मिला था, दैट इट्स आउट एंड आउट अ कॉमेडी मूवी जिसका स्क्रिप्ट, गानों की डिमांड, सब कुछ जो है इट्स कॉमेडी को ध्यान में रख के सारा कुछ हमने किया। तो दो गाने जो हमें बताए गए थे, एक वॉज अ रियल 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 कॉमिक सॉन्ग जिसपे हमें वर्ड्स भी ऐसे ही चाहिए थे, ट्यून भी बड़ा ही द टपोरी 6-8 वाला ट्यून था, तो विच मेड द थिंग्स वे ईजी। जो ब्रीफ मिला था, जो स्टोरी थी और जो गाने का ट्यून था, ये लिरिक्स जो थे वो ट्यून पे लिखे गए थे, तो ट्यून सुनते ही मुझे पता था कि इसमें मुझे क्या देना है। एंड आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि मैं जब भी लिखा है, जब भी मैंने कंपोजिशन पे लिखा है, मेरा ऐसा सोचना है कि जब भी आप कंपोजिशन बहुत ध्यान से सुनो तो लिरिक्स कहीं ना कहीं उसमें होते हैं और सुनाई देते हैं खुद। रिमी ने म्यूजिक दिया, तो उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो जिस तरह से आपने लिखा उसको उसने इंप्लीमेंट कर किया? इसमें ज़्यादातर गाने जो थे वो ट्यून पे गाना लिखा गया, लेकिन एक गाना जो था, जो इसका आइटम नंबर है, गर्लफ्रेंड जो था वो लिरिक्स पे बनाया गया। तो आई थिंक कि जितना ब्यूटीफुली उसने इस गाने को बनाया है इस लिरिक्स के लिए, उससे अच्छी, ज़्यादा अच्छी कंपोजिशन और हो नहीं सकती थी। एंड वी हार्डली लाइक इट वाज सो ऐप जैसे हैंड इन ग्लोव्स, इस तरह का जो लिरिक्स और कंपोजिशन है वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। मतलब मुझे सुन के ऐसा लगता है कि इससे बेहतर कंपोजिशन इस लिरिक के लिए नहीं हो सकती।